कॉलेज से ना मेरा छुट्टी करने का बहुत सख्त वाला दिल कर रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, डैट्स पे मैंने ऐसी वैसी कोई चवली नहीं थी मानी, तो मैं नाश्ता कर रही थी कोको क्रंच का। पैक भी इतना छोटू सा कर दिया, बचपन में इसको 3 दफा खा लिया करते थे, लेकिन अब सिर्फ मैंने 2 दफा इसको खाया, दूसरी दफा मैं खत्म हो गया। देन मुझे रियलाइज हुआ इससे मेरा कुछ भी नहीं बना, इस वजह से मैंने जैम और बटर लगा लिया ब्रेड पे। और जैम और बटर की जोड़ी ना यार बहुत ज्यादा मस्त है, जैसे हमारे मोटू और पतलू की जोड़ी है। एज यू नो गाइस कि मैं टिकटॉक करूँ, तो ये होगी मेरी सस्ती से ट्रांसफॉर्मेशन। और हम आ गए कॉलेज में, मेरी और इस लॉक की ना बहुत ज्यादा WWE चल रही थी, लेकिन फाइनली ओपन हो गया था। क्लास खोल के यार मेरा त्रा निकल गया था, ये देख के क्या हालात हुए थे क्लास के। यार मैंने कोई लेक्चर नहीं मिस करती, डैट्स में मुझे सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, तो फिर व्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से हम करेंगे डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। राजपाल यादव अंकल ने जिस तरह चला चला के सबको स्कीम बताई थी ना, इसी तरह मैं सबको चला चला के बता चुकी हूँ कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, लेकिन हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, जस्ट एक फॉर्मेलिटी बिरयानी उसे खा रहे थे। और साथ में हमने प्लान बना लिया था कि कब हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो ये रंग बिरंगी प्लेट्स थे कि कंफ्यूज मत होना, ये कैफे की प्लेट्स थी। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा सस्ती है, तो घर आकर जनाब मैंने बनाए अपने लिए नूडल्स क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और साथ जनाब मैंने डाली कोक, अब कोक वो वाली कोक नहीं भाई, पीने वाली कोक, काली वाली कोक जो क्लास के अंदर है, समझ रहे हो ना। फिर मैंने पढ़ी नमाज, तो चंदा ये ना कोई शो ऑफ नहीं है, बड़े बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो जो चीज देखते हैं वो अप्लाई भी करते हैं। आई होप के बच्चे देख के इससे मोटिवेट और वो नमाज पढ़े। किसी को तनकीद का निशाना बना के ना कभी भी ये मत समझिएगा कि आप बहुत ज्यादा नेक और पाक लगेंगे, नहीं जी आप तो फ्रोन के प्रिंसिपल लगेंगे। फिर मैंने की ढेर सारी पढ़ाई, क्योंकि FSC के स्टूडेंट्स का कोई हाल नहीं है पढ़ाई के बगैर। फिर ना मैंने अपने यूनिफॉर्म को धुलाई के लिए मशीन के अंदर डाल। आई नो आप टारगेट किया जाएगा कि तुम्हारे नेल्स पर डैश किस्म के गंदे हैं, ओ माय गॉड, आई जस्ट वांट टू से दैट ग्रो अप गाइस। सीरियसली यार नेल पेंट यूज करने की वजह से नेल्स का कलर बर्बाद हो जाए, किसी को भी शौक नहीं होता कि कोई उसे पॉइंट आउट करे, तो भाई अपनी अक्ल और सेंस से काम लेना चाहिए इंसान को। ओ माय गॉड इतनी इंग्लिश एक साथ ही, तुम लोगों के चक्करों में ना मैं अपनी पिंक उर्दू भूल के इंग्लिश में आ गई हूँ। इंस्टा पे फॉलो कर लो, तुम्हें पता तो है ना, टिकटॉक का साढ़े नाल इट कुत्ते द वैर है, नाले यूट्यूब तुम सब्सक्राइब कर लो।